हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सैमसंग के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में एक नया प्रॉब्लम आ गया है। इस प्रॉब्लम को हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम ये आया है कि जैसे ही मशीन बंद हो जाता है उसके बाद इसके ड्रम में ऑटोमेटिकली पानी भर जाता है। अगर हम इसके डोर को ओपन कर दें तो ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इस वीडियो में ठीक करते हैं इस मशीन को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम लोग वाटर इनलेट पाइप जो है वॉशिंग मशीन का, उसे हम लोग खोल लेंगे। ध्यान रहे कि पाइप को खोलने से पहले वाटर का जो नल है वो बंद कर दे, ना तो सारा पानी वहीं पर गिर जाएगा। जैसे वाटर इनलेट पाइप खुल गया, अब हम इसके ऊपर वाले ढक्कन को दो स्क्रू खोलकर इसको अलग कर लेंगे। और सबसे पहले सोलेनाइड वाल्व जो है उसे हम लोग अलग करके चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका बेसिक जो रीजन है वो सोलेनाइड वाल्व के चलते ही हो रहा है। तो पहले इसको चेक करते हैं वो मेरा सोलेनाइड वाल्व जो है ठीक है या नहीं है। सोलेनाइड वाल्व के दोनों पाइप जो कनेक्टेड रहते हैं, जो कि डिटर्जेंट बॉक्स में पानी जाता है, पहले इसको हम लोग अलग कर लेंगे। उसके बाद दो स्क्रू इसमें लगे हुए रहते हैं उसे खोल लेंगे और ये अलग सेपरेट हो जाएगा। और इसमें जो वायर लगे हुए हैं कनेक्शन इलेक्ट्रिक वाले, वो दोनों प्लग को भी हम लोग निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सोलेनाइड वाल्व का एक जो वाल्व है, एक तरफ का जो पाइप जाता है वो काफ़ी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है उसमें। तो पहले तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे फिर से वापस उसको साफ करके लगा के देखते हैं ट्राई करके। सोलेनाइड वाल्व के पीछे वाले पोर्शन जिसमें हम लोग इनलेट पाइप को कनेक्ट करते हैं, उसमें एक जाली लगी होती है जो कि पानी में जो भी कचरा आता है पहले उसे वो फिल्टर कर लेता है, उसके बाद ही उस सोलेनाइड वाल्व में जाता है। इससे सोलेनाइड वाल्व सेफ रहता है, उसमें कचरा नहीं जाता है। मगर पानी में बहुत ज़्यादा कचरा और हार्डनेस होने के चलते ये जाली अगर जाम हो जाए तो पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है और अंदर कचरा चला जाता है। ये जाली को निकाल कर इसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इस जाली के अंदर भी एक पतला एक जाली होता है, डबल जाली लगी होती है। दोनों जाली अभी हमारी गंदी है, इसको साफ कर लेते हैं फिर इसको लगाते हैं। छः स्क्रू लगे हुए हैं इसका जो वाल्व है, हम इसको खोल रहे हैं अंदर में, देखते हैं कि अंदर में कचरा है कि नहीं। तो इसके छः स्क्रू को अलग कर लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें बनता है वो पोर्शन को अलग कर देंगे। अंदर में प्लास्टिक की का दो रड लगा रहता है और रबर की वासर होते हैं जो कि वाल्व का काम करते हैं पानी को बंद करना और खोलने का। सोलेनाइड वाल्व का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर में कनेक्शन इलेक्ट्रिक का होता है, एक कॉइल बना रहता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करता है, जनरेट करता है। और एक अंदर में मेटल का रड लगा रहता है जो कि ऊपर के पिस्टन की तरह ऊपर और नीचे करता है। जैसे उसमें करंट फ्लो होता है तो वो ऊपर की तरफ चल जाता है, और जैसे करंट उसमें से छोड़ते हैं तो वापस वो नीचे आके वाल्व को बंद कर देता है। तो बेसिकली सोलेनाइड वाल्व ऐसे ही काम करता है। मगर अगर कचरा या कुछ भी आ जाता है तो वो प्रॉपरली जाकर वाल्व को बंद नहीं कर पाता, जिसके चलते पानी अंदर वो जाता ही रहता है, बंद नहीं हो पाता पूरी तरह से वाल्व। तो हमारे मशीन में यही एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग साफ करके देखते हैं लगाकर। अगर हमारा ये वाल्व ठीक हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सोलेनाइड वाल्व को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। करके कचरे को हम लोग साफ कर चुके हैं और फिर वापस इसको फिर से असेंबल कर देते हैं जैसे हमने खोला था, वैसे ही फिर वापस से उसको उसी तरह से लगा देते हैं।
हमारा रेडी हो चुका है, अब हमारा काम है इसको चेक करने का। तो सबसे पहले हमें सोलेनॉइड वाल्व को बिना सब कुछ फिटिंग किया डायरेक्ट लगा के पहले चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वे में पानी इसका जो है फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बंद और क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, हम लोग बाहर रख के ही चेक कर लेते हैं। देखिए ये प्रॉपर में काम कर रहा है, जब इसे चालू कर दे रहे हैं तब भी पानी जो है वो वापस इस फ्लो नहीं हो रहा है, और जब लाइट इसको देंगे तो ये पानी फ्लो करेगा। लगता है हमने सारा कुछ वैसे ही फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मशीन को चला के देखते हैं सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। ये मशीन नॉर्मल वर्क कर रहा है, सब कुछ पहले जैसे ही कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पानी भी देखिए इसमें नहीं आ रहा है। अब मशीन अपने से पानी जब स्टार्ट होती है तो मशीन अपना ऑटोमेटिकली पानी लेती है और छोड़ते रहती है, तो वो भी काम कर रहा है, पानी आ भी रहा है। और मशीन को जब हम लोग ऑफ कर देते हैं, पूरी तरह से बंद कर देते हैं, लाइन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिए पानी अब इसके ड्रम में इकट्ठा नहीं हो रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आप लोग के साथ में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले आप सोलेनॉइड वाल्व को चेक कर लीजिए, अगर वो उसमें कचरा कुछ आ गया है तो उसको साफ़ कर ले, जब अगर साफ़ करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं सॉल्व होती है तो इसका आप एक सबसे इजी सॉल्यूशन यही है कि आप इसको इसके सोलेनॉइड वाल्व को चेंज कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।